दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने वाले अभिनंदन की पसली में चोट, पाकिस्तान में हुई थी बदसलूकी। पाकिस्तान की हिरासत में 60 घंटे बिताकर लौटे विंग कमांडर अभिनंदन, वर्तमान की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से और पसली में चोट पाई गई है। POK में उतरने के बाद स्थानीय लोगों ने विंग कमांडर को घेर लिया था और कुछ लोगों ने उनसे हाथापाई की थी। सूत्रों के मुताबिक पैराशूट से नीचे उतरने के बाद पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया था। इस दौरान उनकी पसली में चोट लग गई थी। फिलहाल अस्पताल में उनके कुछ और चेकअप और ट्रीटमेंट होने बाकी हैं। इस दौरान उनको पसली में चोट लगने की बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बर्फीले तूफान की लपेट में आने से अमृतसर का गबरू जवान हुआ शहीद। देश की सीमाओं पर अक्सर दुश्मनों की गोलियों का शिकार होने के बाद शहादत का जाम पीने वाले जाबाजों में कुछ जाबाज ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार ड्यूटी के दौरान हादसों और कुदरती विपदारों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही हुए एक हादसे में अमृतसर स्थित गाँव मतेवाल के लांस नायक कुलदीप सिंह, जो 5 सिख के कारगिल ग्लेशियर में आए बर्फीले तूफान की लपेट में आने के कारण शहीद होने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक लांस नायक कुलदीप सिंह पुत्र कुलवंत सिंह, जो कि हल्का मजीठा और जिला अमृतसर के गांव कलेरा बाला पाई का रहने वाला था, जो अपने पीछे अपने पत्नी पवनदीप और कौर 5 साल के बच्चे जसनूर प्रीत सिंह को छोड़ गया है। कुलदीप सिंह पिछले 16 सालों से भारतीय सेना में निवृत्त ड्यूटी निभा रहे थे और बीती शाम ग्लेशियर में एक गश्त के दौरान 15 अन्य सेनाओं के एक दस्ता जिसकी रहनुमाई कुलदीप सिंह कर रहे थे, अचानक बर्फ के तूफान में दबकर कुलदीप सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शहीद की मृतदेह 3 मार्च के बाद दोपहर गांव पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ गाँव की शमशान घाट में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गरीब परिवारों की बच्चियों को मिलेगी यह मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में 3 लाख से कम आय वाले गरीबों की बच्चियों को भाजपा सरकार जन्म से लेकर हायर एजुकेशन तक चरणबद्ध तरीके से कुल 15,000 रुपए की राशि मुहैया कराएगी। लेकिन इस स्कीम के तहत एक परिवार में सिर्फ 2 बच्चियों को ही स्कीम के जरिए मदद मिलेगी। अगर परिवार में 2 से ज्यादा बच्चियां हैं तो तीसरी बच्ची को ये मदद नहीं मिलेगी। पहली 2 बच्चियों को ही सरकार ये मदद मुहैया कराएगी। अगर एक बच्ची पहले से है और 2 जुड़वां बच्ची और पैदा होती हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये योजना अप्रैल 2019 से लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इस शपथ के कारण दुश्मनों के आगे भी नहीं टूटता भारतीय सैनिकों का हौसला। मैं शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के अनुरूप भारतीय सेना में सैनिक के रूप में कहीं भी आदेश होगा जाऊंगा। देश की रक्षा के लिए यह संकल्प सैनिकों ने लिया। मौका था 39 GTC परेड ग्राउंड में GR 209 बैच के 153 जवानों को रंग रूट से राइफल मैन बनने के लिए आयोजित कसम परेड का। दंडपाल अधिकारी मेजर JK मंगलवार ने गीता पर हाथ रखकर जवानों को कसम दिलाई। परेड ग्राउंड में 42 सप्ताह के कठिन परिश्रम का परिणाम लेने और देखने के लिए 153 नवागत सैनिक व उनके परिवार के लोग कसम परेड के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। प्लाटून की पहली सलामी डिप्टी कमांडेंट कर्नल अमृत पाल सिंह, दूसरी सलामी ब्रिगेडियर कुंवर वीरेंद्र सिंह और मुख्य अतिथि मेजर जनरल अनिल कुमार भट्ट ने ली। मुख्य अतिथि ने प्लाटून के निरीक्षण के बाद सैनिकों व उनके परिजनों को बधाई दी। कहा कि अनुशासन, निष्ठा, लगन एवं लक्ष्य भेदन सैनिक के जीवन का लक्ष्य होता है। इसी जज्बे के साथ सैनिक कुछ ऐसा कर सकता है जिस पर देश, सेना व परिवार उस पर गर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश के अभिनंदन को कैसे हुआ प्यार, कब और किस तरह की शादी। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान लगातार चर्चा में हैं। अभिनंदन जब तक दुश्मन की गिरफ्त में रहे, देश के करोड़ों लोग हर पल उनकी सुरक्षित वापसी की दुआ करते रहे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी भी वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रही है। खास बात यह है कि वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रही तन्वी
बचपन से ही अभिनंदन की गर्लफ्रेंड रही हैं। भाषा के मुताबिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों ने माइक्रोबायोलॉजी के साथ ही पढ़ाई की थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। अभिनंदन और तन्वी के दो बच्चे हैं। 21 जून 1983 को जन्मे अभिनंदन के पिता सिंह कुट्टी वर्तमान भी पायलट रहे हैं। वे MiG-21 उड़ा चुके हैं। 5 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए। अभिनंदन के पिता देश के उन चुनिंदा पायलट में से हैं जिनके पास 4000 घंटे से ज्यादा तक 40 तरह के विमान उड़ाने का अनुभव हासिल है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि निजी हित की खातिर देश की सुरक्षा को ताक में रखा गया। जी हाँ, अमेठी कांग्रेस पर परोक्ष रूप से निजी हित और रक्षा सौदे में दलाली की खातिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस के सौजन्य से अमेठी में निर्मित AK-203 क्लानिशको राइफलों से न सिर्फ आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने में मदद मिलेगी बल्कि दुनिया के अन्य देशों में इसका निर्यात किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र अमेठी के गौरीगंज में 538 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश की सत्ता में आई थी। अमेठी इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ हम चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ के दिलों को जीतने में सफल हो गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जितनी मेहनत की कभी नहीं लगा कि आपने उन्हें जिताया है या हराया है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरी तरह न्याय किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सेना और सुरक्षा बलों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें आधुनिक हथियार और सैन्य साजो सामान के लिए तरसा दिया गया। AK-203 की मदद से आतंकियों और नक्सलियों से होने वाली मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों को बढ़त मिलने वाली है। यहाँ जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात की जाएगी। रोजगार के नए अवसर के साथ विकास के नए अवसर खोलने के रास्ते खोल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी में कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लानिशको राइफलों की सीरीज में सबसे नवीन हथियार AK-203 अमेठी में बनाया जाएगा। इसे रूस भारत का संयुक्त उपक्रम मिलकर बनाएगा। इसके लिए भारत के सबसे करीबी दोस्त पुतिन का बहुत बहुत आभार, जिनके सहयोग से ये ज्वाइंट वेंचर बहुत कम समय में पूरा हुआ है। इस सफलता के लिए परियोजना से जुड़े रूसी मित्रों भी बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, आपको अपने राज्य और अपने शहर का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें और आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पीएम मोदी सहित एनडीए नेता थे पटना में मौजूद, लेकिन शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा कोई। एनडीए की संकल्प रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी और जदयू के कई नेताओं का पटना में जमावड़ा रहा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए बेगूसराय के जवान पिंटू सिंह का शव पटना लाया जाना था। जानकारी होने के बावजूद भी बीजेपी या जदयू का कोई नेता शहीद को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। बीजेपी और जदयू नेताओं की इस बेरुखी पर शहीद के भाई मिथिलेश सिंह ने कहा कि हमने देख लिया है सरकार सेना और सैनिकों का कितना सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि हमारा भाई आतंकियों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन पीएम और सीएम रैली कर रहे हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे शहीद के सम्मान के लिए या तो स्वयं अथवा राज्य के किसी मंत्री या विधायक को एयरपोर्ट भेज देते। गौरतलब है कि जब हंदवाड़ा में शहीद हुए पिंटू कुमार का शव पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ही एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। अन्य किसी पार्टी का कोई नेता या राज्य अथवा केंद्र सरकार का कोई मंत्री वहां मौजूद नहीं था। पिंटू कुमार का शव पटना से बेगूसराय स्थित उनके पैतृक गाँव भेजा गया है, जहाँ उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान का शव पटना एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वहाँ किसी
सैनिक के न पहुंचने पर शहीद जवान के भाई ने कहा कि रैली को महत्व दिया गया है, वो तो अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं, शहीद को तो वे बाद में भी देख लेंगे। गौरतलब है कि पटना में आयोजित जन संकल्प रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई नेता आज पटना में ही मौजूद थे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आतंकी मसूद अजहर की हालत खराब, पाकिस्तान के सैन्य अस्पताल में है भर्ती। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के गुर्दे खराब होने की खबरें हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उसका पाकिस्तान में रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में नियमित डायलिसिस किया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को यह बात कही। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि जैश का सरगना बीमार है। इस संबंध में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, हालिया खबरें इस ओर इशारा करती हैं कि अजहर के गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है और उसका पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका नियमित डायलिसिस किया जा रहा है। कुरैशी ने गुरुवार को कहा था, मुझे मिली जानकारी के मुताबिक वह पाकिस्तान में ही है। वह इस हद तक बीमार है कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, वह काफी बीमार है। अधिकारी ने कहा कि जैश ए मोहम्मद का सरगना ओसामा बिन लादेन का निकट सहयोगी था। उसने कई अफ्रीकी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसे ऐसे पाकिस्तानी मौलवी के रूप में भी जाना जाता है जिसने ब्रिटेन की मस्जिदों में जिहाद का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि 50 वर्षीय आतंकवादी सरगना इतना प्रभावशाली है कि जब इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान IC-814 को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाने के बदले में भारत ने उसे कंधार में 31 दिसंबर 1999 को रिहा किया था तो लादेन ने उसी रात उसके लिए भोज आयोजित किया था। अजहर को 1994 में जम्मू कश्मीर में जिहाद का पाठ पढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में भारत के 40 CRPF जवानों ने शहादत दी थी। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी जैश ने ही ली थी। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए और भारत के वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।